एक मधुमक्खी के डंक ने समा बदल डाला, रूखी सूखी सी लाइफ में मजा भर डाला। बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम सब मिलकर फैमिली टाइम साथ बिताए, तो कल यानी कि संडे नाइट तक नो गैजेट्स एंड नो मोबाइल्स। माना जिंदगी में मी टाइम बहुत जरूरी है, लेकिन फैमिली टाइम ना हो तो लाइफ ही अधूरी है। काका मौसी, आप अपने दूसरे माले के घर में जाना चाहते हो तो बिंदास जा सकते हो, आप टेंशन की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं क्या हुआ। नो बैड रिमार्क्स टुडे, लेट्स गो। अथर्व, क्या कर क्या रहे? अरे अभी कौन क्रेजी, क्या चल रही है? आज एक भी बैड रिमार्क नहीं मिला मुझे। किसी भी टीचर ने नहीं बोला अथर्व बेटा तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट शालिनी टीचर ने भी नहीं बोला कि अथर्व बेटा गेट आउट ऑफ द क्लास। शालिनी मैम तुझे हर रोज अथर्व बेटा गेट आउट ऑफ द क्लास ऐसा बोलती है? हाँ, कल उन्होंने पूछा कि खूबसूरत को ऑपोजिट क्या होता है, तो मैंने कहा शालिनी टीचर, फिर भी उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया। हेलो, सॉरी सॉरी, अथर्व ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। शालिनी टीचर कितनी खूबसूरत है, कितनी स्वीट है, क्यूट है, और और क्या? नहीं नहीं, मतलब खूबसूरत का ऑपोजिट बदसूरत होता है। हाँ, तो इसलिए मैंने शालिनी टीचर कहा ना। अरे शालिनी टीचर कितनी सिंपल है, स्वीट है, शालीन है, सुशील है। नो, हाइट भी कितनी अच्छी है। इन द सेंस बहुत ही यू नो, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है शालिनी टीचर पे। अरे वो तो ध्यान देंगे, एवरी टाइम मुझे बोलते हैं अथर्व बेटा टीचर पे ध्यान दे, टीचर पे ध्यान दे, तो खुद तो ध्यान देंगे ना। हेलो, नहीं 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 बंधु, सीरियसली गॉड प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं। अरे मेरे बुद्धू वागले, टांग खींच रही थी तुम्हारी। क्यों क्यों क्यों, मुझे लगा कि और आज सैटरडे नाइट है, कल संडे है और मेरा होमवर्क भी नहीं है। मतलब हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे, हम रेस्टोरेंट जाएंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरी दो ऑनलाइन मीटिंग्स है और बाद में म्यूजिक का क्लास है और कल ऑफिस का बहुत सारा काम है। सो आई एम सो सॉरी, नॉट ऑन दिस वीकेंड बट अगले वीकेंड पक्का। यहाँ नहीं अथर्व, यहाँ नहीं प्लीज बेटा, मम्मा अचार बना रही ना, दिख रहा है ना मुझे ना, यहाँ वो नो एंट्री फॉर अथर्व का बोर्ड लगाना पड़ेगा सच्ची। पर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं अचार बना रही हूँ बेटा। गंदे हाथ मत लगा अचार को, पूरा अचार खराब हो जाएगा। ये पहले से ही खराब है, छी सच्चे चै अचार। अथर्व लड्डू की तरह पूरा का पूरा टुकड़ा मुंह में डालेगा तो खराब लगेगा ही ना। अच्छा चलो हम लोग टीटी खेलते हैं, मैं आपको जीतने भी दूंगा बस। नहीं मैं अभी टीटी नहीं खेल सकती हूँ तेरे साथ, मुझे अचार बनाना है बेटा। अच्छा तो चलो हम चेस खेलते हैं, वैसे भी आप अचार बनाते बनाते चेस तो खेल सकते हो। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज अथर्व, देख मेरा पूरा ध्यान अचार बनाने में है ना, तो मैं चेस तेरे साथ अच्छे से नहीं खेल पाऊंगी। चलेगा, वैसे भी आप बहुत बुरा खेलते, चलो। हाँ नालायक कहीं का, जाना डैडी के पास जा, डैडी खेलेंगे तेरे साथ। नमस्ते जी, प्रणाम, शुरू करें। लिस्ट सर जी प्लीज। मास्टर जी एक मिनट, सॉरी सॉरी बेटा, अभी नहीं, एक घंटे बाद। ओके जाओ। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। क्या कर रहे हो बेटा? मैं काउंट कर रहा हूँ, 3600 सेकंड्स। क्यों
क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आपने ही कहा ना एक घंटा वेट करने के लिए। प्लीज तुम ऐसे गिनती करते रहोगे तो मैं रियाज कैसे करूंगा। हाँ प्लीज। तो मन में गाइए ना डैडी, क्योंकि जब आप गाते हो तो मन में खो जाते हो। सोचिए। अथर्व प्लीज जस्ट शब्द करो, चल जाओ। ओके, लेकिन आप ना आ की जगह ना जा गाइए, आलाप की जगह जालम। गुरुजी ये दूसरे मास्टर जी है, चल जाओ जाओ। कॉन्सेंट्रेट कीजिए मास्टर जी। राजेश जी यू कॉन्सेंट्रेट। जी मैं चलिए शुरू कीजिए। दादी को फोन करता हूं। दादाजी जरूर फोन उठाएंगे। राधिका फोन बज रहा है। आई थिंक मेरे कान बज रहे हैं। नहीं यू थिंक, फोन ही बज रहा है, उठाइए। मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे अभी क्रॉसवर्ड पूरा करना है, यू नो 3.5 अक्षर चाहिए ना? अब ये सेरुपुकुल का तमिल वर्ड है, इसका क्या अर्थ है? सीताफल? नहीं, तो 4 अक्षर है सीताफल। 3.5 अक्षर चाहिए, 3.5 अक्षर। खाना क्या खाओगे? चप्पल। क्या चप्पल? हाँ चप्पल, सिरपुकल का अर्थ है चप्पल। चप्पल। मैंने पूछा खाने में क्या खाएंगे। अरे राधिका बीच बीच में मत डिस्टर्ब करो ना, मुझे क्रॉसवर्ड पूरा करना है, यू नो खा लूंगा कुछ भी। ठीक है, तो आप जो खाओगे ना उसमें से थोड़ा सा खाना मुझे दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा। क्या दोगे? मगरमच्छ। हैं? 16 डाउन मगरमच्छ। हाँ? हाँ, हाँ, मत करो राधिका डिस्टर्ब होता है, मुझे क्रॉसवर्ड पूरा करने दो। अब 2 ही शब्द बाकी है, ओनली 2। आप भी मत बोलिए ना बीच में, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। पिकअप नहीं कर रहे 100% दादी इंडियन आइडल देख रही होंगी और दादा क्रॉसवर्ड कर रहे होंगे। किसी के पास टाइम नहीं है। वैसे तो सब बोलते रहते हैं कि फैमिली टाइम साथ में बिताना चाहिए, सबको साथ में एक्टिविटीज करनी चाहिए, लेकिन देखो जब आज मैंने होमवर्क पूरा खत्म कर लिया है, मैं एकदम फ्री हूँ, तो किसी के पास टाइम नहीं है फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। चलो देखते हैं ये आइडिया वर्क करता है कि नहीं। ओहो, मेरी जो कंप्लेन है वो पहुंची होगी कि नहीं, और अगर पहुंची होगी तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? मेरी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं हो रही है जो मैंने लेटर में लिखा था? पेंसिल होना चाहिए। अरे मधुमक्खी मिल गया वर्ड। चलिए क्रॉसवर्ड में लिख लीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी मधुमक्खी। राधिका मधुमक्खी। अरे एक ही क्रॉसवर्ड में 2 बार कैसे आएगा मधुमक्खी शब्द? सुन नहीं रही हो राधिका। देखो राधिका तुम टीवी बंद करो। फोन आप हटिए ना। टीवी बंद करो, खिड़कियां बंद करो जल्दी। क्यों? अरे मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी कहाँ से आ गई? राजू को फोन करो। अखबार मेरा क्रॉसवर्ड है इसमें। अरे क्रॉसवर्ड बाद में पूरा कर लेना, मधुमक्खी ने अगर काट लिया ना तो हम पूरे हो जाएंगे। लाओ, लाओ। नहीं, 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 मैं पुराना अखबार देता हूँ। अरे पुराना अखबार लाओगे ना तब मधुमक्खी ना हम दोनों को काट देगी, छत्ता पूरा कर देगी वो। अरे भाई ना खिड़कियाँ बंद करो ना। अच्छा करती हूँ, पेपर धो दीजिए। खिड़की बंद करो राधिका, पहले खिड़की। अरे मेरा अखबार संभालना राधिका, मेरा अखबार। तुम्हें अखबार की पड़ी है? मैं मधुमक्खियों को भगाती हूँ, तुम राजू को फोन कर जाओ। क्या हुआ? बाप रे काट दिया गर्दन में। बताओ कहाँ? ये भगवान इतनी मधुमक्खियाँ आई कहाँ से? पता नहीं, चलो बेडरूम में चलते। चल चल चल। इतने दिनों तक पता ही नहीं चला। वागले जी मधुमक्खी के छत्ते को ना किसी ने छेड़ दिया होगा, गुस्सा आ गया उनको। माँ पापा। अरे वंदना दरवाजा बंद कर। सॉरी सॉरी। बंद करो। तू कैसे आ गई? ये ले। ओढ़ ले। हाँ माँ, वो दक्कू भाई का मैसेज आया था कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में ना बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। बाहर वाली खिड़की से देख सकते हैं क्या? कहाँ जा रहे हो?
पहले ही गर्दन पे काटा है ना उसने। हाँ? तो अब जाके देखना चाहते हो कितना बड़ा छत्ता है? बैठो, चुपचाप बैठो। बिल्कुल भी नहीं पापा, वो दक्कू भाई लकड़ी से वो छत्ते को हटाने के लिए गए ना, तो उनके तो मुंह पे ही काट लिया है। जब तक हनी भी एक्सपर्ट आ नहीं जाता, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए चलिए। हाँ चलो चलो, ऊपर जाएंगे आठवें माले। लिफ्ट में तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू। ऐसे टार्जन बन के लटकना है तो आप जंगल में जाइए ना। ये क्या फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से आप ऐसे ऐसे लटक रहे हैं? हमको तो साड़ी अंडरवेयर पेटीकोट भी नहीं लटकाने देते, अब देखो खुद ही लटक गए। अरे मैं तो मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए लटका था, ऐसे लकड़ी से हटा रहा था कि किसी की ऐसे 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 लुंगी नहीं गिरी थी कि ऐसे ऐसे लकड़ी से हटा रहे थे। माय गॉड डैडी, साइज तो देखिए मधुमक्खी के छत्ते की। हाँ, ये फोटो किससे खींची? मैंने मैंने राजेश भाई, मैंने अपने मोबाइल से, और सबको फॉरवर्ड भी कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। 60,000 के मोबाइल से या 1,00,000 वाले मोबाइल से? वो राजेश भाई। हाँ। यहाँ मेरा मुंह सूजा है, नक्सली मधुमक्खियों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। उन निगड़ी मधुमक्खियों को हटाने के सोचने के बजाय आप लोग, मेरे पास एक तरीका है। आप उनको ना वो रूल बुक दिखाइए कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से आप यहाँ पर आपका छत्ता नहीं बना सकते, इल्लीगल है। क्या राजेश भाई, यहाँ मेरा मुंह सूज रहा है और आपका व्यंग सूज रहा है? क्या बात है। अरे वाह, है ना सुजा सुजा। हाँ, हनी भी एक्सपर्ट को आने दीजिए, वही दूर करेंगे आपकी सूजन और मधुमक्खी की उलझन। वाह डैडी, है ना। ओके, आगे सबके। सखी तुम्हारा मोबाइल। चलो 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 चलो। हाँ पापा, प्लीज पेपर नीचे रख दीजिए। हाँ आइए यहाँ पे। ये साईं बाबा, अब ये अमानत आपके हवाले। कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम सब मिलकर फैमिली टाइम साथ बिताएं। तो कल यानी कि संडे नाइट तक नो गैजेट्स एंड नो मोबाइल्स। ओके, मतलब मेरा लेटर पहुंच गया? क्या बोल रहा है? एक मिनट, कौन सा, कहाँ गया, कौन सा लेटर? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप अभी बताओ हम कौन से गेम्स खेलेंगे। बहुत सारे गेम्स खेलेंगे हम। और एक जरूरी बात, कल शाम तक हम जो भी करेंगे सब साथ मिलकर करेंगे। यस। हाँ। तो डैडी जरा चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? टॉयलेट, मुझे जोर की लगी है। जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे में ये इंक्लूड नहीं होता है? तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना। हाँ, वो भी आधा दूरा बोलते हैं। सॉरी माय लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। तो अभी मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि बाथरूम एक्टिविटी को छोड़कर हम जो करेंगे वो साथ मिलकर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले वो ऐसे डांस स्टेप वाला वो गेम खेलते हैं। डांस स्टेप तुम्हें जो हो रही है ना जोर से, सुसु वो पहले करके आ जाओ। आइए आइए पापा, आइए आइए, चलो चलो चलो, एवरीबॉडी हो गया। पहचान कौन, ये गेम सबको मालूम है? हाँ, पता है पता है। आप डांस स्टेप करोगे और हमें पहचानना है कि ये किस फिल्म में किस एक्टर एक्ट्रेस ने डांस किया था, राइट? करेक्ट। नहीं लेकिन सिर्फ डांस नहीं, उस एक्टर के कुछ एक्शंस होते हैं ना जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो भी करके दिखा सकते हो आप लोग, है ना राजू? हाँ हाँ, शाम से कहना कि छैनु आया था। क्या बात, बिहारी बाबू। बीच बीच में मत बोलो। बिहारी बाबू, बिहारी बाबू। अभी शुरू करो राजू। अच्छा मैं करूँ? हाँ। इतनी देर मत। अरे रुको मम्मी, सोचने तो दो, कुछ अलग करना पड़ेगा ना। आशा भाई, अपनी आशा भाई ऐसे पोछा मारती है ना? पापा, आशा भाई पूरे घर में ऐसे पोछा लगाती है? ऐसे? नहीं आशा, तुम्हारी कब से हो गई? अपने घर की आशा भाई। चुप, चलो चलो बोलो। माधुरी दीक्षित, धक धक एंड मार डाला। क्या बात है बंधु, सुपर। और एक अभी नेक्स्ट नेक्स्ट। ये क्या? किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। हैं? कुछ भी तो? अरे रा
राजेश खन्ना। मुझे पिक्चर नहीं पता कौन सी, मगर राजेश खन्ना है। यस, जो भी है, लेकिन किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाना गाया था। पापा, अब गाना गाते हुए रफी साहब या किशोर दा ऐसे ऐसे थोड़ी करने वाले हैं। पर गाना नहीं गाते तो ऐसे ऐसे कैसे करते? अरे गाना और स्टेप तो उस समय का होता था, अपने भगवान दादा। अरे अब तो आपके जमाने के ही डांस स्टेप किए जा रहे हो, हमारे जमाने के भी कुछ कीजिए। वही तो, सो दैट हम भी कुछ बता पाए और कुछ खेल पाए। एक मिनट, मेरी टर्न। ओके। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल के एक्ट्रेसेस के डांस। देखो, पिंगा 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 पिंगा, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। एक मिनट, दीपिका पादुकोण ने और प्रियंका चोपड़ा ने किस फिल्म में ऐसा स्टेप लिया था? कौन सी फिल्म थी? ओहो, मैंने नहीं देखी। बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना है ये, आप सब गाने जानते हो ना। अब ये पहचानिए। नहीं पहचाना, तुम लोग हेल्प देखो। हाँ, दिखाओ। योगा मम्मी, ये स्टेप नहीं है, ये पीटी क्लास है। स्टेप ही है, स्टेप है तो ये कौन सी पिक्चर की है? योगा है। ये थ्री इडियट में कतरीना कैफ ने किया था डांस। थ्री इडियट? कुछ भी मम्मी, कतरीना कैफ थी नहीं थ्री इडियट्स में। वो थी नहीं इसलिए डांस में नहीं दिखा। कुछ भी यार, कुछ क्या कहती है कैफ 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 कैफे नहीं ना कैफ 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 ये कहाँ गया? वाह 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 वाह, खेल खेल में हम भूल गए थे, लेकिन अथर्व ने देखो साईं बाबा के सामने दिया जला है। ये तो थैंक यू का दिया जला है मैंने। थैंक यू किस लिए? मतलब दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, पर क्यों? मैं बोलू? ये मैंने एक लेटर लिखा था साईं बाबा को। बढ़िया। डियर साईं बाबा, होप यू आर फाइन। हाउ इज एवरीवन इन शिरडी? गिव माय लव टू ऑल योर फॉलोअर्स। लेकिन गिव सम सेंस टू माय फैमिली मेंबर्स आल्सो। हेलो, ये मम्मी और डैडी बोलते रहते हैं कि हम सबको फैमिली टाइम बिताना चाहिए, लेकिन देखो सब लोग तो मी टाइम बिताने में बिजी है और मैं अकेला रह गया हूं। तो प्लीज भगवान, आप अपने किसी एजेंट को भेजकर हमारे फैमिली को यूनाइट कर दीजिए, ताकि हम सब ये वीकेंड साथ में एंजॉय कर सके। प्लीज, योर फेवरेट भक्त अथर्व वागले। क्या बात है अथर्व, वाह, इधर आ जा। शाबाश, ये नया वागले। लेकिन वंदना, वाकई में बाबा ने अपना अस्तित्व दिखाया। देखो वो मधुमक्खी का छत्ता इतने दिनों तक तो खामोश था, शांत था। अब जब अथर्व ने इतने दिल से ये लेटर लिखा बाबा को, तो हो सकता है बाबा ने उसकी सुन ली हो और अपने एजेंट भेजे हो वो मधुमक्खियां। एग्जैक्टली, वो किसी ने सही कहा है ना कि मधुमक्खियां अगर डंक मारती हैं तो शहद भी तो देती हैं। जैसे हमारा वो मी टाइम, अकेले अकेले में टाइम स्पेंड करना, अपने कामों में बिजी रहना, वो एक तरह का डंक था। और अभी जो हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये साईं बाबा ने शहद घोला है हमारी जिंदगियों में। थैंक यू सो मच साईं बाबा। साईनाथ महाराज की। गगम पद पम पगम पदनी गम पदम पद पगम पदनी पदनी सरे सनी नि धनी सरे गरे ग गगरे सरे रे सनी ध पम गल बेला। गुड मॉर्निंग वहिनी। गुड मॉर्निंग। वो जोशीपुरा जी ने आप सबके हिस्से का शहद भेजा है। हाँ, वो मधुमक्खी वाले ने मधुमक्खी का छत्ता हटा दिया। काका मौसी, आप अपने दूसरे माले के घर में जाना चाहते हो तो बिंदास जा सकते हो, आप टेंशन की कोई बात नहीं है। ओ, चलो राधिका। इतने जल्दी?
राधिका तुम टीवी नहीं देखोगी? क्यों, आपको क्रॉसवर्ड नहीं भरना है? हाँ नहीं राधिका, मैं सोच रहा था ना कि देखो कल से लेके आज तक कितना मजेदार अच्छा समय बीता है, नहीं? सही है राधिका, अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि ये क्रॉसवर्ड के पहेलियों को सुलझाना और इसे बुझाना अच्छी बात है, लेकिन फैमिली की पहेलियों में उलझना और उसे सुलझाना क्रॉसवर्ड से भी मजेदार है। सही है, कितनी अजीब बात है ना, मतलब हम दो माले पे रहते हैं, बच्चे आठ माले पे रहते हैं, लेकिन ये छह माले की दूरी कितनी लंबी लग रही है। मैं भी ना अथर्वा की तरह ऊपर वाले को एक लेटर लिखता हूँ। हाँ लिखिए ना। मैं उसमें लिखना चाहता हूँ कि ऊपर वाले कुछ ऐसा कर दे जिससे कि मुझे अपनी फैमिली वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा फैमिली टाइम बिताने को मिल जाए। हाँ लिखिए लिखिए। लिखूं? हाँ लिख ही डालता हूँ। डियर ऊपर वाले, तुझसे यही दुआ मांग रहा हूँ कि ऐसा कुछ कर दे थोड़ा और जो है सो कि नहीं, मतलब हम हमारे बच्चों के साथ फैमिली टाइम बिता सके। श्रीनिवास एंड राधिका वागले। अरे आप लोग राजू हाउ कम? बंधु सेवन फ्लोर और हमारे एट फ्लोर के बीच में एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता पाया गया है वंदना। हाँ। जो कल दोपहर से पहले निकलने वाला नहीं है। अरे सो 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 देखो जवाब आ गया भगवान का। एक मिनट एक मिनट, कॉपी कैट चलो चलो चलो, खाने में क्या खाओगे? मम्मी आप किचन में जाओ, हम ऑर्डर भेज रहे हैं। पापा चलिए चलो चलो चादर में जाओ। मेरे पास टोक्यो न्यूयॉर्क और नी टाइम बन गया फैमिली टाइम। परिवार एक होके है खड़ा, मधुमक्खी का डंक इन्हें लगा मीठा बड़ा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।